हमें एक ऐसा होता है देखिए कि सबक मिलना सीख मिलना बहुत जरूरी है। आज ये वीडियो डालने के वजह से अगर बाकी जितने भी यंग जनरेशन है उनका अगर फायदा हो गया, कल को आज कल मैं अगर नहीं टोकता था तो क्या हो जाता था अमी? अगर कोई दूसरा कोई लड़का आता था इनको पकड़ के मारता था, कोई भी आएंगे। मैं आपको एक वीडियो मैं सुनाता हूँ, वो आप सुनो, आप सुन नहीं पाओगी लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, वो सुनना बहुत जरूरी है। आज इनको 100 रुपए के लिए कर रहे हैं, बेशक ये नहीं करेंगे लेकिन इनकी आदत बन जाएगी। वो सुबह आपको वीडियो सुनाता है, आप सुन लीजिएगा, आपको खुद को एहसास होगा कि हमारा समाज कहाँ पे जा रहा है। क्या बोला वो बार वाली है क्या? एक औरत को बार वाली बोला जाता है, एक औरत को धंधे वाली बोला जाता है। क्या बोला वो धंधे वाली है क्या? एक औरत को इस तरह से जलील किया जाता है। और ये करने वाले कौन होते हैं? क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के जो रिकवरी के जो बच्चे होते हैं उनको ये सीख दी जाती है कि हम आपको 1000 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, आपको किसी भी आदमी को इस तरह से हरेसमेंट करनी है और उसके बाद अगर आपको पैसा मिलेगा तो वो बच्चा क्या करेगा? मुझे एक कॉल करने से, गाली देने से अगर 1000 रुपए मिलता है तो मैं रोज के 10 लोगों को गाली दूंगा। बात वो नहीं है, बात ये सिर्फ एक की नहीं है, ये दो लड़कों की नहीं है, पूरी जो जनता है, जो लोग है, यंग जनरेशन है, जो बहक जा रही है। किसमें बहक जा रही है? कि मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा बनना है। तो मेरे जेब में आज अगर घर से मुझे अगर 50 रुपए मिलता है लेकिन मेरे को किसी को फोन करके 1000 रुपए मिल रहा है तो मुझे उसकी आदत लगेगी और ये आदत आपको गलत तरीके में, गलत रास्ते में लेके जाएगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो बजाज कंपनी रहेगी या जितनी भी सारी ये बैंक है जो रिकवरी के एजेंट बनते हैं छोटे यंग जनरेशन, वो उन लोग को ऐसे कैच कर दे कि तुम लोग ये करो, टारगेट देते हैं। और फोन ही तो करना है, घर बैठे फोन करो, एक कार्ड ले लो फोन करो। और गलती से अगर किसी की बेबी को या किसी की बहन को अगर फोन किया और उसका हस्बैंड या उसका भाई उस लड़के को लेके बहुत मारा, तब आप कहाँ पे दौड़ोगे? मैं उन लोगों को मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बोलूंगा, मैं उनके लिए बंद करूंगा। बजाज कंपनी, कोई भी मुझे ICICI बैंक हो, SBI बैंक हो, जितनी भी पतपेड़ी हो, जितने भी ऐसे रिकवरी के लोग हैं वो सब बंद होने चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। तो मेरा पहला काम क्या है? जहाँ से शुरुआत होती है, अगर हमारे लड़के ही ये काम नहीं करेंगे, अगर हमारे लड़कों ने सोच लिया यंग जनरेशन ने कि हमको ये काम ही नहीं करना है तो बजाज वाले किसके पास जाएंगे? खुद फोन करने दो। तो ये मेरी सीख है उसके लिए। और वीडियो से इनका फ्यूचर खराब नहीं होता है लेकिन 1000 लोगों का फ्यूचर बनता है, ये आप देखो। अब और मेरे तो 2 दिन में कैसा हो गया ना, थोड़ा नेगेटिव होगा और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनका जिम्मेदार दूंगा। जब रोजगार नहीं है इंसान को खाने के लिए, जब लेकिन नहीं रहता है ना, तो मजबूरी में ये काम नहीं करने का, ऐसे काम नहीं करने का जिससे क्या होगा, मुझे आप समझ इनकी भी चिंता और घर पे मालूम नहीं पड़ता है ना अपना बच्चा क्या करता है। लेकिन अभी इसको ये TY का एग्जाम दे रहा है, ऑल द बेस्ट, तेरे को अच्छा ये मिलेगा, दिमाग से वो निकाल दे और पुलिस भर्ती मध्ये तुला जायचंय तर अशी कामं नाही करायची, लक्षात ठेवा। ऑडिशन करा, चांगल्या ठिकाणी नोकरी करा, फोनवरनं धमकी देणं ह्याच्याने तुम्ही मोठे होणार नाही, तुम्ही उद्ध्वस्त होणार, त्यांचं कुटुंब उद्ध्वस्त होणार। त्याचा हा जो मागचा जो व्हिडिओ होता त्याचं ते एक जिवंत उदाहरण होतं। मी यांना माफ केलेलं आहे आणि सगळ्या समाजाने त्यांना माफ करावं। यांना मी कसा जॉब देईन ही माझी जबाबदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।